श्रद्धा आपको मालूम है, आप में और अर्चना जी में एक चीज बहुत कॉमन है. क्या? आपने अमित जी के साथ 3 पत्ती से बॉलीवुड में एंट्री की. इन्होंने सिद्धू जी के साथ 6 पत्ती करके हमारे शो में एंट्री की. वेरी नाइस, वेरी गुड. एंजॉय करो, हम लोग मेहनत कर रहे हैं ना. क्या मजे मजे. एक और बंगला बनाओ मडेलैंड में. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मजा आया. श्रद्धा, श्रद्धा मैं अच्छा मेरे को आपको पूछने का था. श्रद्धा, ये जीरो पिक्चर जो आया था शाहरुख खान का, वो आपने क्यों नहीं किया पिक्चर? मतलब इनको करना चाहिए था ना. क्यों? यही छोड़नी चाहिए थी. क्यों? देखो, इन्होंने 3 पत्ती की, उसके बाद आशी की 2 की, फिर 1 विलन की, फिर हाफ गर्लफ्रेंड की, तो 0 तो इनका ही बनता है. क्या बात है! कैलकुलेशन देखो, ऐसा नहीं आके कुछ भी बोलते इधर, हाँ हाँ हाँ, ऐसा नहीं है. क्या बात है! वाह सपना, क्या फालतू की बात की तूने. काम की बात करूँ क्या मैं? काम की बात करना. आप भी लगाती है. हेलो, हाँ पड़ोसी चैनल, तुम्हारा जज हमारे कब्जे में. तुम्हारे कंटेस्टेंट लोग भी हमारे कब्जे में. हाँ 1 करोड़ रुपए चाहिए, प्लस फ्लैट चाहिए, प्लस कार चाहिए, वरना इन लोग के साथ माइनस शो बना डालेगी मैं इधर. प्लस प्लस का माइनस हो जाएगा. मेरा जो छावा है ना मुकेश, वो आपका इतना बड़ा फैन है. जुड़वा 2 देखी ना, वो बोलता है मैं भी जुड़वा करूंगा. अच्छा, उसे एक्टिंग आती है? नहीं, उसको रोमांस आता है. तब ना क्या, कभी कभी तू इतनी फालतू की बात करती ना. हाँ तो मैं तेरी बहन हूँ, डोनाल्ड ट्रंप की बहन थोड़ी, जो इधर बैठ के अच्छी अच्छी बातें करूंगी. अच्छे अच्छे गेस्ट आए, कुछ ले ही आती तू. हाँ लेकर आई ना मैं इनके लिए. एक मिनट, किधर है रे? गिफ्ट लाइए. हाँ रेमो सर के लिए लाइए. रात बहुत हो गया ना, एक मिनट. सोडा क्यों लेके आई है? देख, वो अपने साथ पुनीत लेकर आए. मैं सोडा लेकर आई. मैं तो कहती तू भी चकना लेकर आ, अर्चना जी की शाम रंगीन हो जाएगी. अरे ये चश्मा वाला बाबा. अरे वही है ना, ये वो मुझे तेरे घर में रोटी चाहिए. अरे कौन? क्या? नहीं क्या? कौन कौन? अरे वो हिमेश है, ये धर्मेश है. तो हिमेश है, धर्मेश है, सब पैसे के लिए काम कर रहे इधर. हाँ तू धर्मेश को भी पैसा देगा ना, ये हिमेश बन जाएगा. हाँ लेकिन हिमेश को पैसा देगा ना, वो धर्मेश कभी नहीं बन सकता. क्यों? क्योंकि क्या है, ऐसा डांस करना आसान काम नहीं. रेमो सर, मेरे को ना आपसे बहुत एक नाराजगी है. क्यों? हम लोग ना एक ही बिल्डिंग में रहते हैं. अच्छा. हाँ मैं रोज सुबह जिम में जाती है. आपको क्या लगता है, वर्कआउट करने आपको हाय हेलो करने के लिए आती है मैं उधर? मैं रोहित शेट्टी की बिल्डिंग में 5 महीने कर रही, बोल बच्चन दी उसने मेरे को. 5 साल से एक ही बिल्डिंग में रह रहे हम लोग. काकरोच को काम दिया इन्होंने मेरे को. He's too good, yeah. और तू क्या हंस रहे है इधर? पिक्चर हिट है, तू जाएगा. माय गॉड, बहुत गर्मी लग रही थी कप्पू. वो है क्या? क्या पानी? नहीं, नूरा फतेही. अरे अरे इधर ही है. हाय वेरी नाइस यू, हाउ यू वेरी वेरी नाइस यू डांस, वेरी नाइस, वेरी हॉट. आपको मालूम है इतना हॉट डांस करते आप. नॉर्थ इंडिया में ना जब सर्दी हो गई ना, लोग हीटर की जगह आपका 4 मिनट का गाना लगा के देखते.
सच्ची में लेकिन ये ना मेरे दादाजी पे उल्टा पड़ गया उनको हमने 4 मिनट का गाना लगाया ना 3 मिनट में वो ठंडे पड़ गए खैर कैसे आप ये क्या कर रही है मम्मी ने कहा था पुजारी लोग से आशीर्वाद लेने खैर आप लोग सब ना मेरे को नाला सोपारा में लगेंगे हाँ क्या क्यों क्यों लगेंगे आप उधर ना महोत्सव कर रही है मैं कौन सा महोत्सव एक महोत्सव है तो धर्मेश प्लीज आना है धर्मेश आएगा अपने मुंह से आग निकालेगा सुशांत आएगा ये मुंह से झाग निकालेगा फिर पुनीत भी आएगा इसको मौत के कुएं में साइकिल चलवाएंगे सलमान को देख के नाला सुपर की कटरीना भी खुश हो जाएगी तो आना लेकिन ये सब फ्री में काम नहीं है मैं मसाज भी करती है मेरा मसाज पार्लर है अच्छा आई हैव मसाज पार्लर सपना ब्यूटी तो अलग अलग टाइप का मसाज रहता है हम लोग के पास तो आपके लिए मसाज है स्पेशल रेमो सर आपके लिए मसाज है रेस मसाज इसमें क्या होता है इसमें क्या करते हैं हम 3 कस्टमर को बाइक पे बिठा के उनके बॉडी पे तेल लगाते बाइक बाइक पे बिठा हाँ फिर हम लोग बाइक का रेस करवाते जो फर्स्ट आता है उसका मसाज करते हैं बाकी दोनों को तेल लगा के छोड़ देते ये कैसी मसाज हुई My massage is my massage, none of your massage. फिर आप लोग सब इतना मस्त डांस करते हैं तो मेरे पास हिप हॉप मसाज है इसमें क्या होता है इसमें हम कस्टमर को लेटाते हैं हाँ लेकिन तेल हंटर पे लगाते हंटर पे तेल लगा के उसके हिप पे हॉप हॉप करते रहते फिर बस बस फिर हमारे पास एक मसाज है सांबा करते ना सांबा मसाज है डांस फॉर्म रहे सांबा मसाज इसमें कस्टमर को हम तेल लगाते और काली पहाड़ी पे बिठा देते और वो तपती गर्मी में ऐसा बैठे रहते हैं उधर ऐसा बैठे रहते फिर ऐसा बैठ बैठ के उसकी खुद की पहाड़ी में दर्द चालू हो जाता फिर उसको हम खाड़ी में ले जाके उसके पहाड़ी के मसाज करते हैं कुछ ज्यादा नहीं हम लोग गरीब लोग हम लोग कैसे रहते हैं मैं चलती है वो आप लोग के कोरियोग्राफर है ना वो गणेश आचार्य उनका आचार्य देने जाना है मेरे को वो पता नहीं जब भी मसाज कराने आते हैं हम प्रेशर देते हो आचार्य छोड़ के जाते हैं इधर Guys, thank you so much for coming. Thank you. इतना मजा आया actually. मैं बता दूं एक बात. जी सर. मेरे ख्याल से मैं पिछले 5 साल में इतना हंसा नहीं हूं. जितना अभी 2 घंटे में हंस दिया. मेरी तो तबीयत ठीक हो गई. बहुत मजा आया सर. बहुत मजा. Thank you so much. Fantastic, guys. Fantastic.